लोगों के बेडरूम सुरक्षित नहीं है आप लोगों से। श्वेता के साथ जो उसकी सहेली है वो महादुष्ट है। आनंदीबेन क्यारे फेस प्रति कड़वा न दे, वो बहुत मतलब कभी कंप्लेन नहीं करते हैं। नमस्कार दर्शक मित्रों, अतिथि में फरी एक बार स्वागत है आपनों। अतिथि एटले कार्यक्रम के जे कार्यक्रम में विशिष्ट व्यक्तित्व साथ आपनी मुलाकात करे छे, वातो करे छे अंदर। आज अपनी साथ जे खूब ज एवुं जाणीतुं नाम के जेमणे वर्षो थी अलग अलग इश्यूज पर पोताना विचारो आप्या छे ने क्यांक निर्णयो पण बदलाव्या छे, सोशियल एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण जी। प्रशांत जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में। प्रशांत जी सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि सोशल एक्टिविस्ट की तरह से पहचान करानी अच्छी लगती है, एक लॉयर की तरह करानी अच्छी लगती है, या IIT छोड़ने वाले स्टूडेंट प्रशांत जी की तरह से पहचान कराने आपको अच्छी लगती है? नहीं, मुझे तो पब्लिक इंटरेस्ट एक्टिविस्ट की तरह से पहचान अच्छी लगती है, क्योंकि मैं अपने आप को प्राइमरीली एक जनहित के मामलों में एक विचारक की तरह मानता हूँ कि जहाँ पर भी कोई जनहित का मामला होता है, कोई मुद्दा होता है, उस पर विचार करके और उस पर ठीक राय बनाना और उस पर जो कुछ कर सकते हैं, चाहे कोर्ट के माध्यम से चाहे कोर्ट के बाहर, कि जिससे कि समाज और देश ठीक दिशा में जाए। जनहित याचिका ज़्यादातर ऐसे ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ में प्रशांत जी ने PIL की है और ज़्यादातर एक मकाम तक पहुँचे हैं जहाँ पे देशवासियों को सही में फ़ायदा हो, कहीं गलत डिसीजन लिए गए हैं, उनको चैलेंज भी किए हैं, कोर्ट से ऐसे वर्डिक्ट भी पाए हैं कि जहाँ लोगों को फ़ायदा पहुँचा है, या तो हो सकता है कि नुकसान कम हुआ है, मैं ये ज़्यादा कहूँगा। ऐसा कौन सा केस जो सबसे ज़्यादा आपको टफ लगा हो प्रशांत जी को? नहीं, टफ तो बहुत सारे केसेस हुए हैं, चाहे वो उसमें हमको जीत हासिल हुई हो चाहे हार गए हों। नर्मदा बचाओ आंदोलन का, सरदार सरोवर के बांध का एक बहुत इम्पोर्टेंट केस था, जिसमें कि इस देश की बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याएं जुड़ी हुई थीं, विस्थापन को लेकर, पर्यावरण को लेकर, इस देश का पैसा कहाँ खर्च हो, कैसे खर्च हो उसको लेकर। इसी तरह से अभी कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का केस हुआ, जो कि एक और बहुत अहम मुद्दा है इस देश के सामने। इसी तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स के बारे में एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और ये जो करप्शन के केसेस आए हैं, चाहे वो 2G वाला ले लें चाहे कोलगेट वाला ले लें, ये तो बहुत अहम ही है। तो ये सारे ही केसेस अपने अपने तरह से इस देश के बहुत अहम मुद्दों के बारे में हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे विस्थापन का मुद्दा हो, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी का मुद्दा हो, चाहे वो पर्यावरण का मुद्दा हो। मैं यहाँ सीधा पूछना चाहूँगा, सिर्फ प्रशांत भूषण नहीं है अकेले इस हिंदुस्तान में जो ऐसे इश्यूज़ पर PIL करते, सरकार को या तो डिसीजन लेने वाले कोई भी ऑफिसर को, ब्यूरोक्रेट को कठेरे में खड़ा करते, फिर भी थोड़े थोड़े वक्त के अंतर पर ऐसी घटनाएं होती रहती। क्या लगता है आपको कि ये मेंटालिटी कभी दूर नहीं होगी? क्या डर पैदा नहीं हुआ है? गलत डिसीजन, उसके ऊपर PIL, उस PIL के ऊपर सुप्रीम कोर्ट लेवल की कोर्ट का वर्डिक्ट जो कि पनिशमेंट तक पहुंचा है, फिर भी ऐसी वारदातें, ऐसी घटनाएं, ऐसे डिसीजंस क्यों ये स्टॉप नहीं होता है? क्या डर कम है? PIL करने वाले है उन्होंने इतनी जागरूक, या तो उनका हवा नहीं बना है अभी तक कि एक थर्ड आई है जो हमें देख रही है, हमारी एक एक गतिविधियों पे उनकी बिल्कुल वॉच है, फिर भी ये होते रहते, बार बार बढ़ते रहते, ये क्या ये चिंता का विषय नहीं है? नहीं, ज़रूर चिंता का विषय है। उसका कारण ये है कि बहुत कम ऐसे केस हैं PIL वाले जो अपने अंजाम तक पहुँच पाते हैं। ज़्यादातर केस या तो ठुकरा दिए जाते हैं या लंबित ही रह जाते हैं, सालों साल लंबित रहते हैं। तो इसकी वजह से, और अंजाम पर भी जैसे पहुंचते हैं, जैसे पुलिस रिफॉर्म्स वाला, 10 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया 2006 में कि भई ये पुलिस में सुधार करने के लिए ये सब करिए, पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी बनाइए, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनाइए, इन्वेस्टिगेशन लॉ एंड ऑर्डर विंग को अलग करिए। लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद उसको एनफोर्स करने के लिए
जो लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे उनको दंडित नहीं किया, कंटेम्प्ट नहीं किया। तो कई बार कोर्ट का फॉलो थ्रू भी नहीं हो पाता अपने 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 जजमेंट्स का। तो इसलिए कोर्ट का डर अभी उतना नहीं हुआ है सरकारी अफसरों के ऊपर, जिससे उनको ये लगने लगे कि भाई हम गलत काम ना करें। दूसरी तरफ ये आंदोलन हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ, पहले हम लोगों ने सोचा कि भाई जब करोड़ों लोग सड़कों पर आएंगे तो अपने आप ये इनको मानना पड़ेगा जन लोकपाल बनाने के लिए, पर इनको ये लगा कि भाई ये लोग तो अहिंसक लोग हैं, शोर मचा कर घर चले जाएंगे और इलेक्शन में तो हमको हरा नहीं सकते, तो इसलिए हम लोग तो संसद पर और सरकार में काबिज़ हैं और हम लोग मिलकर लूटते रहेंगे। और यही हम देख रहे हैं कि भाजपा, कांग्रेस और ये बड़ी बड़ी पार्टियां सब मिलकर लूट रहे हैं, ना लोकायुक्त लोकपाल बनने दे रहे हैं, ना राइट टू इंफॉर्मेशन, पॉलिटिकल पार्टी को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के नीचे आने दे रहे हैं, ना ही ये दागी लोगों को संसद के बाहर या विधानसभा के बाहर जाने दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया कि भाई दागी लोगों को बाहर कर दो, तो ये सब मिलकर उस कानून को पलटने में लगे हैं। तो इन लोगों को ये धौंस है कि भाई हमको ये लोग, ये ईमानदार लोग बगैर पैसे वाले, ये हमको चुनाव में नहीं हरा सकते, क्योंकि हमारे पास तो हजारों करोड़ रुपया है, हम पैसे के आधार पर पूरे चुनाव को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को मजबूर होकर ये तय करना पड़ा कि भाई हमको आम आदमी पार्टी एक पार्टी बनाकर इनको चुनौती देनी पड़ेगी चुनाव में, और उसके बगैर काम नहीं बनेगा। मतलब इसी आधार पर चुनाव में सीधा लोगों के साथ जाके लोगों का लोगों के डिसीजन से अगेन उसी सिस्टम में आना और वहां जाके सुधार की बात करना। बात करेंगे आगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। दर्शक मित्रों समय दो, विराम नो, विराम बाद प्रशांत भूषण जी साथ नहीं बातों। विराम बाद फरी एक और स्वागत है आपनों कार्यक्रम अतिथि में। प्रशांत जी आपने बताया कि ब्रेक से पहले बताया कि एक कोशिश थी हमारी, लेकिन ऐसे सीजन पॉलिटिशियन को ऐसा विश्वास या तो अति विश्वास ऐसा है कि इतने सारे लोग हमारे पास है, इतने सारे रुपये हमारे पास है, तो ऐसे कई चंद लोग हम में बदलाव नहीं ला सकते। इस सोच के साथ आम आदमी पार्टी की रचना की गई। मैं इस रचना से पहले वाली पृष्ठभूमि में आता हूं। अन्ना हजारे से आम आदमी पार्टी के सभी लोग, जितने भी लोग हैं ऑफिस बैरर्स है, वो लोग लाइमलाइट में आए। शायद आपको बुरा लगेगा, ये क्रेडिट आप अन्ना हजारे को देना नहीं चाहेंगे, शायद नहीं, शायद, नहीं बिल्कुल अन्ना हजारे को देना चाहेंगे, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि ये मूवमेंट का कोई भी बंदा एक्टिव पॉलिटिक्स में आए। जी हाँ, ये एक विचारों में थोड़ा सा अंतर हुआ कि अन्ना नहीं चाहते थे कि भाई हम लोग चुनावी राजनीति में जाएं, लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि उसके बगैर कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जब बार बार ये लोग यही धौंस दिखा रहे हैं, भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के लोग, कि भाई आप हमको जब तक चुनाव में नहीं हरा पाएंगे तब तक हम आपकी बात क्यों माने, चाहे सारे लोग सड़कों पर आ जाएं, चाहे हर ओपिनियन पोल ये दिखाए कि 80% लोग जन लोकपाल बिल चाहते हैं, लेकिन वो कहते थे हम नहीं लाएंगे क्योंकि हम संसद और सरकार में काबिज़ हैं, हम चुनाव में जीते हुए हैं, आप हमको चुनाव में हरा कर दिखाइए तब बात करिएगा। तो जब ये साफ हो गया कि इसके बगैर कोई बदलाव नहीं आएगा, हमको एक बार इस देश में चुनावी क्रांति लानी पड़ेगी जिससे कि इन पार्टियों को साफ करके एक दूसरा ऐसे लोगों को संसद में लाना पड़ेगा जो इस पूरे व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध हों, सिर्फ जन लोकपाल ही नहीं, इस देश में लोकतांत्रिक सुधार की ज़रूरत है, चुनावी सुधार की ज़रूरत है, न्यायिक सुधार की ज़रूरत है, पुलिस सुधार की ज़रूरत है, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म की ज़रूरत है। ये सब सुधार ये लोग तो नहीं करने वाले क्योंकि इनको तो करप्टेड सिस्टम का फ़ायदा मिल रहा है। तो जब तक ऐसे लोगों को हम संसद में कम से कम एक बार नहीं लाएंगे जो ये सारे सुधार कर सकें जिससे कि सत्ता वापस आम आदमी के हाथ में आ पाए। देखिए, इस देश को स्वतंत्रता तो मिल गई अंग्रेज़ों से, लेकिन स्वराज नहीं मिला। आज जनता का राज कहाँ है? 5 साल में बस एक बार हम वोट दे सकते हैं,
और पांच अगले पांच साल तक वो लोग घूस ले लेके बड़ी बड़ी कंपनियों के इन्फ्लुएंस में सारे फैसले कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं, आम आदमी से पूछते भी नहीं है कि तुम क्या चाहते हो। तो वो सब प्रशांत जी, आपने बात बताई कि बरसों से ये लोग ये कर रहे हैं, ग्रासरूट लेवल पे जिन्होंने बरसों तक काम किया है, ऐसे पॉलिटिशियन भी जब पॉलिटिक्स के यानी वोटिंग के बैटल फील्ड में जब उतरते हैं तब उनको बहुत करारी हार मिली है। जिन्होंने ग्रासरूट लेवल पे काम किया है, एक एक इंडिविजुअल्स के नाम के साथ वो पहचानते हैं, इंडिविजुअल्स का पर्सनल काम भी शायद उन्होंने किया है, इन्फ्लुएंसिव है, मतलब मैं काम से बात कर रहा हूँ, वैसे लोगों को भी करारी हार का झटका महसूस करना पड़ा है। कितना कॉन्फिडेंस है, क्या आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लगता कई लोगों को? नहीं नहीं, ये आप ठीक कह रहे हैं कि चुनावी राजनीति एक दलदल है, कीचड़ है, जो ज़्यादातर आज बड़ी बड़ी पार्टियां पैसों के आधार पर और बाहुबली के आधार पर जीत रही हैं, और इसमें एक ईमानदार पार्टी जिसके पास पैसा भी ना हो, बाहुबली भी ना हो, उसको जीतना बहुत मुश्किल। बाहुबली भी हार जाते हैं कई बार। हाँ, तो हमारे जैसे पार्टी को चुनाव जीतना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन क्योंकि ये पार्टी एक भ्रष्टाचार, इतना बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से उभरी हुई पार्टी है, और क्योंकि अब बहुत लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि अगर इस देश में अब व्यवस्था नहीं बदली और उसके लिए चुनावी क्रांति नहीं हुई तो ये देश अराजकता और गृह युद्ध की तरफ सीधा प्रवेश कर रहा है, और इसलिए बहुत सारे यंग लोग अपना अपना काम छोड़कर इस मुहिम में और इस पार्टी के संग जुड़ गए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बहुत एक्टिव, दिल्ली के अलावा पूरे हिंदुस्तान के बाकी राज्यों में आम आदमी पार्टी के एक्टिव मेंबर्स बहुत कम दिख रहे, और जो है शायद बहुत कम लोग उनको जानते हैं उनके स्टेट में। नहीं देखिए, तो किस तरह से जनाधार पे पा पाएगी ये आम आदमी पार्टी, ये एक सवाल है सबके दिमाग में। ये बिल्कुल लेजिटिमेट सवाल है। देखिए, अभी हमारी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन कुछ स्टेट्स में तो ठीक ठाक बन गया है, कुछ स्टेट्स में कम बना है। हम लोगों ने यह तय किया कि अभी हम लोग दिल्ली पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि दिल्ली के चुनाव नवंबर में हैं और दिल्ली हमारा बेस भी रहा है, और दिल्ली में हमको जीतने की पूरी उम्मीद है। ऑलरेडी ओपिनियन पोल सारे ये दिखा रहे हैं कि हमारी पार्टी के 20% से ज़्यादा वोट हो चुके हैं, और चुनाव आते आते हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी पार्टी दिल्ली में कम से कम जीत हासिल करेगी। उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरे देश में होगा, क्योंकि देश पूरे देश में लोगों को दिखेगा कि भाई ये पार्टी नई बनी पहली बार में। ओपिनियन पोल में कितना भरोसा करते हैं आप? नहीं, ओपिनियन पोल अगर आपकी फेवर में है तो ज़्यादा भरोसा है। अगर साइंटिफिकली किया हो, अगर सब साइंटिफिक नहीं होते पर कुछ काफ़ी साइंटिफिक होते हैं। नरेंद्र मोदी को ओपिनियन पोल फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से पेश कर रहे हैं, जिनमें उनको सबसे ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या क्या मानते हैं प्रशांत जी? नहीं देखिए, वो ओपिनियन पोल सही होगा कि आज बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी को ये मान रहे हैं कि भाई ये प्रभावी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, प्रभावी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जैसे जैसे उनके ऊपर मीडिया का फोकस हो रहा है, लोगों को ये भी पता लगता जा रहा है कि भाई कितने भ्रष्टाचार में ये लिप्त हैं। लोकायुक्त बनने ही नहीं दे रहे, 10 साल तक लोकायुक्त नहीं बनने दिया, हाईकोर्ट चले गए उसके खिलाफ, हाईकोर्ट से हार गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट से हार गए फिर भी नहीं बनाया, रिव्यू पिटीशन फाइल करी, रिव्यू पिटीशन में भी हार गए तब भी नहीं बनाया, क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करी वहाँ पर भी हार गए तब भी नहीं बनाया, नोटिफिकेशन नहीं इशू किया और उनको लोकायुक्त को मजबूर कर दिया रिज़ाइन करने। इसको क्या कहेंगे आप? यही दिखा रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी किसी हालत में नहीं तैयार हैं कि कोई स्वतंत्र संस्था उनके भ्रष्टाचार की जाँच कर सके। आज तो ये हालत हो गई है कि उनके एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पीपी पांडे, जिनको कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है, जो 4 महीने से भागे हुए हैं, उनके बारे में गुजरात सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जो कहती है कि हम दूर से ही
आतंकवादी को सूंघ कर मार देते हैं, वो ये कह रही है कि हम अपने एडिशनल डायरेक्टर जनरल यानी कि नंबर दो पुलिस ऑफिसर को हम ढूंढ नहीं पा रहे। गुजरात की सरकार पूरा पूरा संरक्षण दिया हुआ है, मतलब ऐसी सरकार बनी हुई है। जी 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 जी, यहाँ रोकूंगा एक अंतिम चरण की बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शक मित्रों विराम नो समय, अंतिम तबका निवातो प्रशांत भूषण जी साथ है, एक ब्रेक बाद। विराम बाद फरी एक और स्वागत है आपनु कार्यक्रम अतिथि मां। आपने ब्रेक से पहले बताया कि नरेंद्र मोदी यही प्रूव करता है, ये सब बातें जो आपने ब्रेक से पहले बताई कि यही प्रूव करता है कि नरेंद्र मोदी चाहते नहीं है कि उनके भ्रष्टाचारों का पर्दाफाश हो, शायद इसीलिए वो यहाँ आर्य मेहता साहब को या तो कोई भी हो उनको आने नहीं देते, राइट? बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी जैसे शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार के बहुत चिट्ठे आपने खोल दिए आपके सहयोगियों ने, क्या 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 नरेंद्र मोदी के सामने भी आम आदमी पार्टी का कोई बंदा खड़ा रहेगा क्या? हमने नरेंद्र मोदी के भी भ्रष्टाचार के चिट्ठे खोले, हमने दिखाया कि उन्होंने कैसे GSPL गुजरात स्टेट पेट्रोलियम लिमिटेड के शेयर्स एक फर्जी कंपनी को जियो ग्लोबल नाम की एक फर्जी कंपनी को दे दी। चुनाव की बात कर रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हम शीला दीक्षित के सामने ही खड़े रहेंगे जो उनकी असेंबली सीट है वहाँ। नहीं नहीं, 2014 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी जरूर गुजरात में लड़ेगी। ओके फाइन, नरेंद्र मोदी जी, शीला दीक्षित, 2G, रिलायंस, अलग अलग बहुत सारे यूपी के IAS ऑफिसर, उनके सामने आपने मोर्चा लगा दिया था। प्रशांत भूषण जी खुद एक सर्कल में फंसे हुए जमीन के मामलों में, आपका खुद का ट्रस्ट जो खुद सवालों के दायरे में है, जब कोई बंदा खुद सवालों के दायरे में, खुद कठेरे में और किसी के ऊपर उंगली कर रहा है। एलिगेशन तो कोई भी लगा सकता है, उन्होंने एक फर्जी CD जारी कर दिया जो कि अमर सिंह के जो पुराने 2006 के टेप्स में से कट पेस्ट करके बनाया गया, वो जारी कर दिया ये दिखाने के लिए कि हम कुछ जजों के दलाल हैं। इस तरह से उसी तरह से एक ये एलिगेशन लगाया कि भाई हमारा ट्रस्ट है जिसको कि कोई अवैध ज़मीन दे दी है। अरे हमारे पिताजी ने 5 करोड़ रुपया दे के हमारे मदर के नाम से एक एजुकेशनल सोसाइटी बनाई, जिसके आधार पर हमने इस सोसाइटी ने एक हिमाचल में ज़मीन लेने की सिर्फ परमिशन सरकार से मांगी, क्योंकि हिमाचल में बगैर सरकार के परमिशन के कोई ज़मीन ले नहीं सकता। तो सोसाइटी को वो ज़मीन देने की सिर्फ परमिशन सरकार ने दी, सरकार ने और कुछ भी नहीं दिया। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक पॉलिसी का इंस्टीट्यूशन, जिसमें कि मेरे पिताजी ने 5 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं, एक बढ़िया पब्लिक पॉलिसी एक्टिविस्ट को तैयार करने का काम कर रहा है, और उस पर लोग ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि इन्होंने ज़मीन हड़प। मतलब खुद को आप क्लीन चिट दे रहे हैं? नहीं, हमको क्लीन चिट देने की बात नहीं है, एलिगेशन क्या है ये कि जजिस, क्या? जजिस के ऊपर भी कमेंट, प्रशांत भूषण जी जजिस के लिए भी कहते हैं कि 16 चीफ जस्टिस में से ज्यादातर करप्ट है, क्या ऐसे स्टेटमेंट से लाइमलाइट में रहने की प्रशांत भूषण जी को क्या आदत है, क्या शौक है? ये बिल्कुल सीरियस एलिगेशन, जब जुडिशरी सिस्टम पे एक एलिगेशन लगता है और वो भी प्रशांत भूषण जैसे एक ऐसे इंसान जिनकी बात बिल्कुल हेडलाइन बनती है, सीरियस एलिगेशन, मेरे हिसाब से बहुत सारी आपके ऊपर पड़े होंगे बहुत सारी की, ये क्या कर दिया प्रशांत जी आपने? देखिए, मैं पिछले 22 साल से जुडिशल अकाउंटेबिलिटी यानी कि न्यायपालिका की जवाबदेही के मुहिम में लगा हुआ हूँ। जस्टिस रामास्वामी का जब इम्पीचमेंट शुरू हुआ तब से लेकर आज तक, और न्यायपालिका में जो भी भ्रष्टाचार होता रहा उसको
मैंने ही ज़्यादा उजागर किया। जब जब मेरे सामने कोई भी एविडेंस आया कि भाई कोई जज भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो उसको उजागर किया, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, उसको हटाने के लिए पूरी कोशिश करी। आज भी हमारी पिटिशन जस्टिस बालाकृष्णन को नेशनल ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन से हटाने के लिए पड़ी हुई है। ये दूसरी बात है कि आज सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि कोई जवाबदेही प्रैक्टिकली है। प्रशांत जी, बात ये आती है आपकी बातों से, ये शायद अर्क निकलता है कि इस देश में पॉलिटिशियन करप्ट है बाकी सब पार्टियों के, इस देश में ब्यूरोक्रेट्स करप्ट है, इस देश की जुडिशरी करप्ट है। आपके इनवाइटेड कोमा में करप्ट नहीं है, ज्यादातर आपने बताया वो टॉप लेवल की जो पोस्ट वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं। मैंने ये बोला था कि ये जो लोग सोचते हैं कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार सिर्फ निचले स्तर पर है, ये गलत है। इनफैक्ट हाईएस्ट लेवल पर भी काफ़ी भ्रष्टाचार हो चुका है और पिछले 16-17 चीफ जस्टिसेस में से कम आधे भ्रष्ट थे। और ये बात बिल्कुल सही है, फैक्चुअली एक्यूरेट है। जब मेरे ऊपर कंटेम्प्ट का मुकदमा उसके आधार पर चलाया गया तो मैंने अपने एफिडेविट में डिटेल किया है कि क्यों मैंने ये बात बोली। मतलब 50% टॉप जुडिशरी जो भी डिसीजन मेकर है वो करप्ट है। आपने कहा कि पॉलिटिशियन करप्ट है, 50% से ज्यादा कैबिनेट करप्ट है, कैबिनेट करप्ट है, बिजनेसमैन करप्ट है, तो क्या साधु संत आम आदमी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता ही है इस देश में? नहीं, इस देश में बहुत सारे लोग बिल्कुल ईमानदार हैं, ज़्यादातर लोग बिल्कुल ईमानदार हैं और ईमानदारी की का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और इस भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बिल्कुल टॉप लेवल पर, इस पूरे एस्टेब्लिशमेंट के टॉप लेवल पर आज भ्रष्ट लोगों का कब्जा हो गया और उसको पलटने की ज़रूरत है और उसी के लिए इस देश में क्रांति की ज़रूरत है। और हमने देखा कि वो क्रांति के लिए एक चुनावी क्रांति लानी पड़ेगी और इस पूरे समूह को सफा करके एक ऐसे समूह को संसद में लाना पड़ेगा जो इस पूरे व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध हो, न्यायपालिका में जवाबदेही लाने के लिए, पुलिस सुधार करने के लिए, सिविल सर्विस सुधार करने के लिए, चुनावी सुधार करने के लिए, डेमोक्रेसी रिफॉर्म्स करने के लिए, इन सब के लिए जो प्रतिबद्ध हो, ऐसे लोगों को एक साथ इकट्ठा होना चाहिए। दलित क्रिश्चियन के बारे में भी आपने इसी उठाए थे। मेरा सीधा सवाल, क्या आप मानते हो कि इस देश में रिजर्वेशन सिस्टम अभी जो फिलहाल चालू है क्या एप्रोप्रिएट है? नहीं, दलित क्रिश्चियन का तो इशू ये था कि सुप्रीम कोर्ट एक शेड्यूल कास्ट का एक आई एम नॉट गोइंग फॉर इंडिविजुअल केस, मैं ब्रॉडवे में बात कर रहा हूँ। देखिए, रिजर्वेशन सिस्टम जो है अभी जो है उस पर सोचने की ज़रूरत, मतलब अभी है गलत है? नहीं, गलत है ये मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मान लेना कि सिर्फ रिजर्वेशन से पिछड़े हुए समाज का भला हो जाएगा, ये धारणा गलत निकली है। उससे थोड़ा फ़ायदा ज़रूर होता है लेकिन उससे पूरा फायदा उनका नहीं हुआ है जो सोचा गया था। कि कई बार हमने ये देखा है कि जो पिछड़े हुए समाज के लोग जो इस तरह से अफसर वगैरह बन जाते हैं वो अपने आप को फिर क्रीमिलेयर मानने लगते हैं और फिर वो अपने समाज के बारे में नहीं सोचते। इसलिए उसके लिए हमको कोई ठोस उपाय ढूंढने पड़ेंगे जिससे कि उन लोगों को एजुकेशन सर्विसेज मिल सके, हेल्थ सर्विसेज मिलती है उनको, बरसों से फ्री एजुकेशन कहाँ मिलती है आजकल गवर्नमेंट में जॉब के लिए रिजर्वेशन नहीं मिलती है, फ्री एजुकेशन नहीं मिलती है क्योंकि गवर्नमेंट के सब जगह स्कूल्स ही नहीं है और स्कूल्स हैं तो वो चलते नहीं है, तो इसलिए चलते हैं तो वो क्वालिटी नहीं है। इसलिए हम लोगों को अच्छे स्कूल्स हर जगह हर नागरिक के लिए और खासकर सबसे पिछड़े हुए समाज के लिए उन लोगों के लिए प्रोवाइड करने होंगे जिससे कि उनको एजुकेशन पूरी मिल पाए, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी मिल पाए, उनको और फैसिलिटीज पूरी मिल पाए। रिजर्वेशन
कितना रखना है, कितना चलाना है, उस पर सोचा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज का सिस्टम गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि इससे जो फायदा अपेक्षित था, एनालिसिस करनी चाहिए जो अभी तक किए उसमें क्या क्या फायदा हुआ और क्या बाकी रह गया। अंतिम सवाल, आप क्या मानते हो कि इस देश में कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा हर सिटीजन को सीधा टच करता है? रिलीजियस यानी हिंदू मुस्लिम, ईसाई, ऐसे कोई रिलीजियस इश्यू, भ्रष्टाचार के इश्यू, या तो फिर देश की सुरक्षा का इश्यू? क्या मानते हैं कि आप कौन सा ऐसा इश्यू है जो इस देश के हर एक नागरिक को एक छत के नीचे ले आता है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो आम आदमी के लिए भ्रष्टाचार ही है। आम आदमी को कई बार कम्युनल इश्यूज पर गुमराह करने की कोशिशें बड़ी बड़ी पार्टियां करती हैं। भाजपा चाहती है कि वो हिंदुओं को संगठित कर ले, मुसलमानों को एनिमी दिखाए। कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस सोचती है कि ये बड़ा अच्छा है क्योंकि इससे सब मुसलमान कांग्रेस के साथ आ जाएंगे और देश को हम लोग बांट कर खाते रहेंगे। यही तो कांग्रेस करते थे कि देश को बांट कर खाते रहो, और ये पार्टियां भी यही चाहती हैं। हमको तो ये देश को बांटकर इसमें एक बात ऐड कर देता हूं, अभी कार्यक्रम का बिल्कुल पूर्ण विराम आ गया है। बाबा रामदेव आप पे लगाते हैं कि आप भाई भतीजावाद चलाते हो? भाई भतीजावाद किस तरह से चलाते हैं? बाबा रामदेव जी का आक्षेप था बिल्कुल। बाबा रामदेव क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं मुझे नहीं पता, कुछ कहते होंगे, उसका क्या आधार है वो बताएं मुझे। अगर हम मेरे ऊपर कोई आक्षेप लगा रहे हैं तो उसका आधार बताएं, तब मैं उसका जवाब दे सकता हूं। थैंक यू वेरी मच प्रशांत जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शक मित्रों, आती बात प्रशांत भूषण जी साथे नहीं, एक अलग विचार साथे आम आदमी पार्टी में बिल्कुल राजकीय सलाहकार नहीं परंतु फुल इन्वॉल्व थे, इन्हें कदाच नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर से आम आदमी पार्टी के अंदर आप अपना कार्य कर रहे हैं। आशा रखे कि तेमना विचारों सतत वर्षों सुधी तेमने जे कल्पना करी छे, आइडियोलॉजी छे, तेने इम्प्लिमेंट करवामां केटला सफल रहे छे ते तो आवनारा दिवसों बतावशे। फरी मळीशुं नेक्स्ट एपिसोड में एक नवा अतिथि साथे, त्यां सुधी रजा आपशो, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। लोगों के बेडरूम सुरक्षित नहीं है आप लोगों से। नेता के साथ जो उसकी सहेली है वो महादुष्ट है। आनंदीबेन क्यारे फेस पर थी कड़वा न दे, वो बहुत मतलब कभी कंप्लेन नहीं करते हैं।